सुभाई सिग्मा बैटल रॉयल गेम जो कि मे भी 3-4 दिन से मेंटेनेंस पे चल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसेंट सा गेम था, नया नया आया, लाइक ये 2 हफ्ते पहले आया था, और यहाँ पे ये गेम 3-4 दिन से मेंटेनेंस पे चल रहा है। तो भाई आखिर ये मेंटेनेंस पे क्यों चल रहा है? क्योंकि जब भी हमारा गेम मेंटेनेंस पे जाता है तो अपडेट आता है, लेकिन अभी तक इसमें 3-4 दिन से कोई भी अपडेट्स वगैरह नहीं आया। भाई क्या कुछ इसका सीनल हुआ, क्या ये गेम बैन हो चुका है या अपडेट आने वाला है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करके इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो हे गेमर्स, कैसे हो आप सब? तो आशा करता हूँ भाई सब बढ़िया होगे। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सिग्मा बैटल रॉयल गेम के बारे में, जो कि 3-4 दिन से मेंटेनेंस पे चल रहा है, और इसके बारे में एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी आ रहा है कि ये गेम अपना बैन हो चुका है। अगर भाई बैन हो चुका है तो क्यों बैन हो चुका है, एंड अपडेट आने वाला है तो अभी तक अपडेट क्यों नहीं आया, और अपडेट आएगा भी तो अपडेट कैसे करेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। बट उससे पहले जिन जिन बंदों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने गलती से भी वीडियो स्किप कर दिया तो इससे आप कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप छोड़ सकते हो। तो भाई चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बताने वाले हैं कि आखिर ये गेम है क्या, और इस पे अगर ये बैन हुआ है तो किस रीज़न से बैन हो सकता है, क्या ये बैन हो चुका है या नहीं। तो भाई सबसे पहले बात कर ले यार, ये गेम बैन हो चुका है या नहीं, इसका कोई कन्फर्मेशन न्यूज़ नहीं है, लेकिन बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं, बहुत सारे मतलब न्यूज़ ये भी मिला है कि ये गेम बैन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि ये फ्री फायर से मिलता जुलता पूरा गेम है, क्योंकि इसका जो मैप है वो भी बरमूडा का है, बस नेम वगैरह चेंज कर दिया गया, बाकी पैलेस वगैरह सारा कुछ वही है। तो ये भी बोल सकते हैं कि ये फ्री फायर का ही मतलब कि कॉपीराइट गेम है, तो इसकी वजह से ये गरीना ने इस गेम को नहीं बनाया, यहाँ पे डीमोन नाम का एक कंपनी है जिसने इस गेम को बनाया है। ये भी हो सकता है कि भाई फ्री फायर का डेटा को चुरा के ये गेम बनाया गया, यानी थर्ड पार्टी द्वारा इस गेम को बनाया गया है, जिसकी वजह से भाई गरीना की कंपनी ने इस पे स्ट्राइक लगा दी होगा, जिसकी वजह से ये गेम बैन हो चुका है। जैसा कि तुम सबको पता होगा कि ये गेम अपने प्ले स्टोर पर नहीं अवेलेबल है, और बहुत सारे बंदे पूछ रहे हैं भाई अगर गेम बैन भी हो चुका है तो आखिर गरीना वाले ऐसा क्यों करेंगे भाई, क्यों स्ट्राइक देंगे। तो भाई ये गेम जैसे ही स्टार्टिंग में आया तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया भाई देखते देखते, क्योंकि ये 280 MB की थी और काफ़ी सारे बंदे इसको इंजॉय कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि स्टोरेज कम का गेम था, बहुत ही ज़्यादा डिसेंट क्वालिटी का गेम था, और ये बहुत सारे बंदे इसका यूज़ करने लगे बहुत ही देखते ही देखते ये पॉपुलर गेम हो गया। तो भाई तो ये रीज़न है इसका, क्योंकि ये अचानक से इस पे आया, एंड भाई इसको फ्री फायर लाइट का हम लोगों ने नाम दे दिया, फ्री फायर लाइट दे दिया, जिसकी वजह से बंदे काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि गरीना वालों ने इस पे स्ट्राइक लगा दिया होगा। बट यार ये क्या हुआ है इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है। अगर अपना गेम मेंटेनेंस पे चल रहा है, अपना अपडेट आने वाला है, तो अपडेट कब आएगा, कैसे आएगा, कैसे हम लोग इसको अपडेट कर पाएंगे? तो भाई सबसे पहले बता दें कि इस गेम को हम लोगों ने ब्राउज फीचर से डाउनलोड किया था, यानी क्रोम ब्राउज़र या गूगल ब्राउज़र से आप लोगों ने भी डाउनलोड किया होगा, लिंक वगैरह से या जैसे भी, मतलब आप लोग ब्राउज़र से ही डाउनलोड करें, क्योंकि इसका ऑफिशियल वर्जन आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं होगा। तो भाई कैसे हम लोग इसको अपडेट करेंगे जब ये हमारे प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है? तो भाई सबसे पहले अगर बात कर, अगर इस गेम में अगर अपडेट भी आता है तो भाई जैसे हम लोग गेम ओपन करेंगे वहाँ पे जो मेंटेनेंस शो कर रहा है वहाँ पे आपको एक अपडेट्स देखने को मिल सकता है। मे भी अगर ये अपडेट आने वाला है तो बहुत कितने MB का अपडेट आएगा, तो मे भी ये भी बोल सकते हैं कि 100, 150, 200 MB तक का अपडेट्स आ सकता है। तो भाई हम लोग को वेट करना है, 2-3 दिन और वेट करना पड़ेगा, देखते हैं क्या क्या होने वाला है, क्या गरीना वालों ने इस पे कोई केस वगैरह किया है, स्ट्राइक वगैरह लगाया है, वो भी लगाया है तो भाई वो भी जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन अभी के फ़िलहाल में कंफर्म ये न्यूज़ नहीं है कि गरीना वालों ने स्ट्राइक लगाया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि गरीना वालों ने इस गेम पे स्ट्राइक लगाया है। अगर 3-4 दिन बाद अगर अपडेट भी आ जाता है तो भाई अपडेट कैसे आएगा, भाई कैसे अपडेट करेंगे भाई बात, क्योंकि ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको अपडेट्स के लिए वहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा, जैसे हम लोग गेम लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा अपडेट, और अपडेट्स वहाँ से आप अपडेट डायरेक्ट गेम में से आप अपडेट कर सकते हो। तो भाई कैसा लगा ये वीडियो आपको, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।